अस्सलाम वालेकुम। ये पेशावर में जो अभी इंडस्ट्रियल स्टेट हैदराबाद में जो रश लगा हुआ है, ये असल में ये लोग आए हुए हैं मौला अली कुर्दिस्तानी, ममाला अली कुर्दिस्तानी, उन मौलाना साहब के दम के लिए आए हुए हैं। लेकिन उनका अभी तक कुछ पता नहीं है कि वो आए हैं पेशावर कि नहीं आए। और इस सिलसिले में पहले डीन्स इंडस्ट्री ने मैं शायद उनको स्पॉन्सर कहता है जो भी हुआ था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो इधर नहीं आ रहे। तो अब पता नहीं कि वो पेशावर कब आएंगे, इसका तो कुछ पता भी नहीं है। लेकिन ये पेशावर इंडस्ट्रियल स्टेट रोड की सूरत हाल है आज की, और ये आप ये रश देख सकते हैं गाड़ियों का, ये आप देख ले पूरा रोड बंद हुआ है यहाँ पर। ये सब लोग आए हुए हैं यहाँ पर। मुझे भी कुछ दोस्तों ने फ़ोन किया था कि अगर वो आ जाए तो फिर हमें बता दें, लेकिन अभी तक तो कुछ सूरत हाल वाज़ह नहीं है इनके आने की। ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोग सब पाकिस्तानी एक मौलाना साहब के पीछे पड़े हुए हैं, और अगर हम सब लोग वक्त पे नमाज़ की पाबंदी करें और कुरान शरीफ़ की तिलावत करें और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें, तो हमारी ज़िंदगियाँ खुद ही ठीक हो जाएगी और हमें किसी की दम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। आप देख लीजिए रश, ये पता नहीं साहिवाल से, पंजाब से, पिंडी, इस्लामाबाद से, कराची से भी लोग आए हुए हैं और यहाँ पर अब गरीब भटक रहे हैं। तो पता नहीं हमारी हुकूमत क्या कर रही है। असद कैसर साहब तो इनसे गले मिल रहे थे, लेकिन अगर हुकूमत अगर शायद इसको स्पॉन्सर करती तो फिर ज़रा अच्छी बात होती यहाँ पर। और या तो मतलब ये कि हुकूमत ऑफिशियल स्पॉन्सर कर लेती तो कम से कम इतना मसला ना बनता। और अभी ये सारा रास्ता इनकी वजह से बंद है, लोगों की वजह से। और यहाँ पर एक मेला से भी लगा हुआ है, सट्टे बेचने वाले भी यहाँ पर आए हुए हैं और दूसरे लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, पूरा एक मेला लगा हुआ है यहाँ पर। आप देख लीजिए सुबह सुबह लोग आए हुए दूर दराज इलाकों से, स्वात से, बटखेला, इन इलाकों से भी लोग आए हुए, पूरे पंजाब से। अब पता नहीं मौलाना साहब आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन लोग यहाँ पर काफ़ी जमाए। ये आप देख ले पुलिस वाले आए हुए, वो भी रश को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा रास्ता ही बंद है यहाँ पर। और बस क्या कह सकते, ये पूरे रास्ते में रश है, यहाँ पर लोग सट्टे वगैरह भी बेच रहे हैं और पूरा एक मसला बना हुआ है। मेरे ख्याल से तो आज ये रूट सारा बंद रहेगा इंडस्ट्रियल स्टेट हैदराबाद का। और जितने भी हमारे दोस्त वगैरह अगर आना चाहे तो वो दूसरे रास्तों से आ जाए फिर। यहाँ तक पूरे गाड़ियों की कतारें लगी हुई है और लोग आए हुए,
यहाँ तक रश लगा हुआ है, तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई है इस जगह पे, इंडस्ट्रियल स्टेट हैदराबाद में। तो ये आप खुद ही देख लें।